ने दिया है, जो अपना धान लेकर के आए हैं, वो हमारा जो सेंटर अभी तक हड़ताल चल रहे थे, आज खुले हुए हैं, अभी हम तौलाते हैं जाकर के, ले जाकर के हम स्वयं जाएंगे तौलाने। कितने दिनों से स्ट्राइक चल रही थी और क्यों चल रही थी? 1 तारीख से चल रही थी। आखिर क्यों चल रही थी? वही कर्मचारी लोग उनके किए थे हड़ताल, तो आप जाकर के हाँ, अभी स्ट्राइक खत्म हो गई है, मांगे पूरी हो गई। हाँ, अब मांगे पूरी हो गई, स्ट्राइक खत्म हो गई उनकी, ये नहीं मालूम क्या क्या है। ये मैं लगातार 1 नवंबर से जानकारी ले रहा हूँ, प्रशासन की भी जानकारी में दे रहा हूँ, SDM महोदय की जानकारी दे रहा हूँ, तो वो कह रहे धान खरीद हो रही है। मैंने निरीक्षण किया केंद्रों का, जबकि धान वहाँ बिल्कुल भी एक ही किसान का धान नहीं तोला गया। मजबूरन में आज हमको यहाँ पे धान लाना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा। जब प्रदर्शन करने की तैयारी आई तो हमारे पास फोन आने लगे कि मैं धान तोलवा रहा हूँ, ये स्थिति है। ऐसे में हम अपनी फसल को तैयारी को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाद पानी बीज की तैयारी लेकर के आज हम सड़कों पर लेकर धान आए हैं। ये हमारी मजबूरी थी, अगर नहीं तोला जाता तो मैं विधानसभा भी लेने के लिए तैयार था।